हेलो गाइस, टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हमने यहाँ बताएंगे कि आपका विंडो 10 विंडो 11 को स्प्लिट करने के लिए बहुत सारा मेरे पास कंप्लेन आ रहा है कि मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो गया है, चलने में दिक्कत हो रहा है, ब्राउजिंग बहुत स्लो है, वो ब्राउजिंग होते रहता है, साइट नहीं खुलता है। तो उसके लिए आज एक सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका विन प्लस आर को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके देखिए, ये मशीन भी बहुत स्लो है, इसको भी फास्ट करना है। तो इस पर देखिए, पहले सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद देखिए, इसमें जाके फास्ट हमको पावर एंड स्लिप में जाना है। जाके एडिशनल पावर को क्लिक करना है। जब एडिशनल पावर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये आपका हाई परफॉर्मेंस आएगा। जब इसको चेंज करेंगे, चेंज प्लान, वो डिपेंड करता है आपका ऊपर कि आप इसको डिस्प्ले को टर्न ऑफ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर इसमें हम नेवर कर देते हैं, करके इसको सेव कर देते हैं। अब सेकेंड जो है, अब इससे हम फिर रिटर्न आ जाएंगे। रिटर्न आने के बाद हमने फिर आपका इसी स्क्रीन में लिखेंगे व्यू, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए व्यू एडवांस सेटिंग, देखिए व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स यहाँ दिख रहा है आपको। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर एडवांस में आएंगे, सेटिंग्स पे आएंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, हमने किया था इसको। पहले यहाँ पर आना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, देन थर्ड में स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट, इसको अप्लाई, देन ओके करेंगे। देन इसको भी ओके करके बाहर निकल जाएंगे। अब इसके इसमें बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद गेमिंग में जाएंगे। अगर आप गेमर नहीं है, मान लीजिए आप गेम नहीं खेलते हैं, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। ओपन बॉस जो टिक किया था उसको भी बंद कर देना है। गेम मोड को भी ऑफ कर देना है, ठीक है। सेकेंड आपका जाना है आपको पर्सनलाइजेशन में। इसमें आप जाके सबसे पहले देखिए, इसमें नीचे में बैकग्राउंड में देखिए, बैकग्राउंड में आपका जैसे पिक्चर है उसको आप रख सकते हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हैं। देन टास्क बार में जाइए, देखिए टास्क बार में यहाँ पर कुछ ऑन है, कुछ ऑफ है, क्योंकि आपका ये इसको कहा है हमको काम करने नहीं दे रहा, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये एक्टिवेट नहीं है विंडोज़। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर सब कुछ आपका बंद है, एक्टिवेट होगा तो ये आपका आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाइए, जाके इसमें नीचे में देखिए, सबसे नीचे में आएगा बैकग्राउंड ऐप्स। ये बैकग्राउंड ऐप्स को क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए सब ऑन है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका बैकग्राउंड में सब चल रहा है। इसको आपको ऑफ कर देना है। जैसे आप ऑफ कर देंगे देखिए, जितना भी बैकग्राउंड में आपका ये चल रहा था आपका बैक साइड में, वो आपका क्लोज हो जाएगा। इसमें आपका सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिस्टम सही रहेगा, आपका स्पीड हो जाएगा। फिर इसका बाद थर्ड आइए, फोर्थ में आइए, यहाँ पर आके इसको क्लिक कीजिए। राइट हैंड साइड में क्लिक करने के बाद टास्क मैनेजर में आइए। टास्क मैनेजर आने से आपको यहाँ पर दिखेगा स्टार्टअप। स्टार्टअप में आप जाएंगे, जाके यहाँ पर जितना भी आपका है सबको आपको कली, जैसे आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पर IREPS साइनर यूटिलिटी है, उसको इनेबल रखे हैं। जैसे जावा जो है उसको डिसेबल कर दिए, एज को डिसेबल। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टअप में ये जो आपका चलते रहता है, मेमोरी जो आपका ब्लॉक करता है, मेमोरी जो कैप्चर करता है, उसको नहीं करेगा, इसलिए सबको डिसेबल कर दिया गया है। इसका बाद थर्ड आइए आपका सर्च फाइल परमिशन। एक्चुअली इस मशीन में आपका दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि इस मशीन में क्या है आपका एक्टिवेट नहीं है, तो एक्टिवेट नहीं होने की वजह से इसमें क्या है आपका काम करने में दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है इंडेक्सर परफॉर्मेंस, इसको क्या है ऑलवेज आपको ऑन रखना है। अगर एडवांस में जाते हैं, देखिए एडवांस में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको यूज़र दिखेगा, स्टार्ट मेनू दिखेगा, तो ये आपका कंप्लीट है, इंडेक्सिंग होना चाहिए, तब आपका क्या होगा ये फर्स्ट होगा। आप थर्ड में जाइए, फिफ्थ में जाइए, सिस्टम देन ग्राफिक्स।
जैसे सिस्टम को आप क्लिक करेंगे, नीचे में आएगा आपका ग्राफिक्स सेटिंग्स। ये ग्राफिक्स सेटिंग्स में आप जाएंगे तो इसमें क्या होता है, डेस्कटॉप में जो जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, इसमें जाइए, ऑप्शन में जाइए, जाके इसको हाई परफॉर्मेंस कर दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। इस तरह से जो जो आपको फाइल चाहिए, जैसे वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज को किए ऑप्शन में गए, इसको भी हाई परफॉर्मेंस कर दिए। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आप इसको कर देते हैं तो आपका सिस्टम फास्ट होने लगेगा। इसका बाद आप जब इसको काम करेंगे देखिएगा बहुत फास्ट चलेगा। अब इसका बाद आपको आना पड़ेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, बहुत समय हम लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं, इसको अपडेट को ऑन करके रख देते हैं। तो इससे अपडेट जब होने लगता है तो इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारा फाइल इसमें आ जाने की वजह से ये स्लो हो जाता है। हम अभी डिलीवरी ऑप्टिमाइजर में जाते हैं, इसमें जाके देखिए इसमें एब्सोल्यूट, जैसे इसमें क्या है, दो है, एक परसेंटेज है एंड देन एब्सोल्यूट बैंडविड्थ है, हम उसको एब्सोल्यूट बैंडविड्थ में डाल देंगे ताकि इसका स्पीड अच्छा हो। इसका बाद फिर हम इससे बैक जाएंगे, बैक जाके ऐप में जाएंगे, ऐप में जाके ऐप देखिए, यहाँ पर ऐप जो है, देखिए बहुत सारा ऐप जो है, ऐसे ऐसे ऐप है जो हम यूज़ नहीं करते हैं, वो अननेसरी, जैसे आपका एक एक्सबॉक्स गेमर, जैसे गेम बार, देखिए इसको अनइंस्टॉल करने नहीं दे रहा क्योंकि ये विंडोज़ का साथ है। इसका बाद जो आपका काम का है उसको आप मत कीजिएगा, क्योंकि उसको आप कर देंगे तो आपको दिक्कत होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हेल्प टूल, इसको आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, जैसे अनइंस्टॉल कर रहे देखिए ये आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। इसका बाद एज अपडेटर, इसको भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन ये विंडोज़ का साथ है, इसको आपको करने नहीं देगा। इसमें आइए, अगर आपको मैप का ज़रूरत नहीं है तो मैप को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन ये करने नहीं देगा आपको। तो इस तरह से आपको जो काम का नहीं है, जैसे ऐप इंस्टॉलर, अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप उसको निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर अभी सेम है, अगर आप इसमें कैलकुलेट करते हैं तो इसको रखना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप कोई अकाउंटिंग पैकेज करते हैं, उसका सेल्फ आपका कैलकुलेटर आता है, तो इसलिए अगर बाहर में आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको हटा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप कैमरा है, ये कैमरा जो है, ये कैमरा में क्या है, मेरा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का दिया हुआ है, इसलिए आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कोटाना, कोटाना जो है ये देखिए, इसको अनइंस्टॉल करने आपको नहीं देगा। गेट हेल्प, ये भी आपको अनइंस्टॉल करने नहीं देगा। तो जो जो चीज़ आपका काम का है उसको रख के, बाकी जो आपको कोई काम नहीं आता है तो उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा पहले वो काम का है या नहीं, अगर वो काम का है तो उसको इंस्टॉल नहीं कीजिएगा। जैसे एक है माइक्रोसॉफ्ट एज वेब व्यू टू रन टाइम, इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि इसका परमिशन है, तो आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो इसमें से कुछ आपका मेमोरी क्लियर हो जाएगा और आपका मशीन भी फास्ट होने लगेगा। सेकेंड इधर एक है इमेज एक्सटेंशन, इसको आपका विंडोज़ का है, इसको आपको करने नहीं देगा। फ़ोन लिंक, ये भी इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने आपको नहीं देगा। तो इस तरह से आप जिसको इसको जो ऐप्स आपका ज़रूरत नहीं है उसको आप इसको क्लियर कर दीजिए। क्लियर कर देने से आपका क्या होगा, सब जो सिस्टम है, सिस्टम आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। तो हेलो गाइस, आप इस ये जो फीचर्स आप देखे हैं, जैसे आपको स्पीड करना है, अगर आपका लैपटॉप डेस्कटॉप स्लो हो गया तो उसको आप फास्ट कर सकते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आने वाले जितने भी आपका वीडियोस है वो आपको टाइमली आपका पास आ जाएगा। थैंक यू गाइस।